Good morning to all. Now, in this video, we shall study about the scalar and the vector quantity, and also we studied about distance and displacement. Okay. Now, we all have studied about motion, ki motion kya hota hai. But to define in a motion, we required certain quantity, right? Suppose a student is being recognized by certain characters, right? उसके कुछ character होंगे like his name, his roll number, age, right? तो उन सब चीजों से you will able to define कि हाँ this is a person. Similarly, अगर हम motion को define करना है हमें we need to have a certain quantity like उसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया उसने, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, वेलोसिटी कितनी है, ठीक है. तो ऑल दीज क्वांटिटीज आर टर्म्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी या सिर्फ क्वांटिटी हम उन्हें बोल सकते हैं, ठीक है. तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज. नाउ दीज क्वांटिटी आर हैव टू टाइप्स, ठीक है. First scalar and the second is vector. So first we'll understand scalar quantity. Scalar quantity का मतलब क्या होता है? Scalar quantity physical quantity which requires only magnitude is known as a scalar quantity. Okay? Scalar quantity का मतलब होता है कि ऐसी physical quantity जिसमें we are concerned only with the magnitude, ठीक है. Now what do you understand by the term magnitude? Magnitude का मतलब होता है उसकी value, right? Suppose मैंने बोला 5 kilometers, तो 5 kilometer क्या हुआ? उसका magnitude. But I am saying 5 kilometer towards east, it means we are mentioning the magnitude along with the direction, okay? तो देखो हम magnitude को किससे mention कर रहे हैं, direction में, है ना. तो अगर ऐसी quantity जिसमें सिर्फ magnitude mention हो, सिर्फ एक value mention हो, numerical value होगा ना, that quantity is termed as a scalar quantity, okay? For example, distance, mass, time or etc. Next, vector quantity, physical quantity which requires both magnitude as well as direction is known as a vector quantity. तो see, अभी हमने क्या बताया था, scalar मतलब सिर्फ magnitude, लेकिन vector में क्या होगा, magnitude तो है साथ ही direction भी add होगा. Okay, suppose कि 5 kilometer towards east मीन्स हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो बताई, लेकिन तो हमने उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू बताई, साथ ही उसके साथ डायरेक्शन भी मेंशन किया कि 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. ओके, तो उसमें क्या क्या मैंने मेंशन किया, मैग्नीट्यूड तो है उसका, साथ ही उसके साथ डायरेक्शन भी बताया, तो वो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट, फोर्स एक्सेट्रा. ओके ओके, सो नेक्स्ट वी शैल स्टडी अबाउट द डिस्टेंस. ओके, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स. ओके, अब हमें क्वांटिटी पता चल गई है कि दो टाइप की होती है, स्केलर और वेक्टर. अब इस बेसिस पर जो अलग अलग क्वांटिटी है, विल स्टडी अबाउट देम वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट द डिस्टेंस. नाउ व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? सबसे पहले तो डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, वी ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियसली, राइट? ठीक है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड स्केलर कंसर्न ओनली विद द मैग्नीट्यूड. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्टेंस.
डिस्टेंस मीन्स हमने कितना डिस्टेंस कवर किया या हमने कितना पाथ कवर किया फ्रॉम द इनिशियल फ्रॉम आर ओरिजिन या फ्रॉम इनिशियली फ्रॉम आर स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कि हम कितना मूव कर रहे हैं इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड नॉट इन टर्म ऑफ डायरेक्शन. सपोज आई एम सेइंग इनिशियली आई एम मूव्ड 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, देन आई मूव 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, एंड देन आई मूव्ड 10 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, राइट. तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? 5 + 5 + 10 = 20, ठीक है. तो यू जस्ट हैव राइट द टोटल डिस्टेंस, आपने इनिशियल पॉइंट से कितना कवर किया है, दैट इज डिस्टेंस. ओके, नेक्स्ट इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर. ओके,